और यही वजह है कि एक के बाद एक पैनोरमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री कर रही हैं और आज ये खास पैनोरमा भी जनता के लिए शुरू हो जाएगा। देखिए आप, इस पर से पर्दा हटा दिया गया है, ये बेहद खूबसूरत मूर्ति 11 फीट की, मुख्यमंत्री ने इस पर से पर्दा हटा दिया है। तो गन नेचुरल की मूर्ति बनाई गई है, सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, आस्था का प्रतीक है बिकाना में माता करणी, और आज उनके जीवन चरित्र को कि किस तरह से बिकाना का जन्म हुआ, किस तरह से बिकाना की धरती को माता करणी ने संभाला, फिर चाहे युद्ध के दौरान सेना की मदद की बात हो, उन जवानों की, सैनिकों की, शूर वीरों की मदद की बात हो, हर एक दृश्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस पैनोरमा में। और भव्य मूर्ति है ये, बेहद खूबसूरत ये नजारा, गन मेटल की ये माता करणी की मूर्ति 11 फीट की बनाई गई है, इस पर से पर्दा हटा दिया है मुख्यमंत्री ने और शीश नवाकर इस वीरांगना को नमन कर रही है मुख्यमंत्री। कह सकते हैं आखिरकार जिस पल का इंतजार था बीकानेर के लोगों को, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि करणी माता का पैनोरमा उसका लोकार्पण कर दिया गया है। 11 फीट लंबी मूर्ति जो गन मेटल से बनाई गई है, काफी वक्त से इसका इंतजार और उसी को लेकर एक समय निर्धारित यहाँ पर किया गया और उसी समय के दौरान इस पूरे काम को किया भी गया है। और ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं करणी माता के दर्शन करने के लिए और इस भव्य लोकार्पण के गवाह बन रहे हैं। तो कहते हैं कि शक्ति बहुत जरूरी है जीत के लिए, आत्मविश्वास के लिए, और ऐसे में शक्ति की उपासना मुख्यमंत्री ने की और अब इस पैनोरमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री करने पहुंची हैं। माता करणी की मूर्ति से पर्दा हटा दिया है, इसके बाद यहां पर उनका संबोधन का भी कार्यक्रम होगा, देशभर की जो जनता यहां पर पहुंची है उनको संबोधित करेंगी मुख्यमंत्री। तो आस्था और आस्था के साथ ही कर्म पर विश्वास, ये दोनों ही तस्वीरें जब भी मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र का दौरा करने निकलती हैं तो देखने को मिल जाती है।